जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज का तरीका पहले दोनों तरीकों से थोड़ा सा अलग है। पहले हमने देखा कि किस तरह से मूवी क्लिप्स को अपलोड करके हम पैसा कमा सकते हैं, अपने चैनल को मोनेटाइज करा सकते हैं। उसमें भी आपको कुछ दिक्कतें आई क्योंकि आप बिल्कुल उस तरह से नहीं कर रहे जैसा कि मैंने उस वीडियो में बताया है। उसके बाद एक कॉमेंट आया कि क्लिप्स नहीं, हमें तो पूरी मूवी अपलोड करनी है। तो हमने वो तरीका भी देखा और आज देखने जा रहे हैं एक और तरीका। एक भाई ने पूछा है कि बिना मूवी अपलोड किए मूवी से कैसे पैसे कमा सकते हैं यूट्यूब से। तो आज का तरीका है यही वाला। और हमेशा की तरह पहले हम देखेंगे कि क्या हो रहा है, फिर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हो रहा है, आप कैसे करेंगे, और लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि इसी काम को आप एक बेहतर तरीके से कैसे करेंगे। कुछ कमियां शायद उन तरीकों में हैं, वो कमियां क्या हैं, और उन कमियों को दूर करते हुए आप इसे और अच्छे तरीके से कैसे करेंगे। इस तरीके में ये लोग बता रहे हैं कि आप इन मूवीज़ को, आने वाली मूवीज़ भूल भुलैया को किस तरह से डाउनलोड कर सकते हैं, पुष्पा जो इतनी पॉपुलर मूवी है उसे कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, इससे पहले स्क्विड गेम और ये सारी मूवीज़। तो आप लोगों को तरीका बताते हैं मूवी डाउनलोड करने का, उस पर एक वीडियो बनाकर। वीडियो में आप कुछ भी बता सकते हैं, वही सब कुछ जो कि हमने पहले वाले दो वीडियोज़ में डिस्कस किया। ये मूवी ऐसी है, ऐसा होगा, जो है पहले वाली भूल भुलैया में हमने देखा था ये होगा, अब अक्षय कुमार क्या करेंगे, कुछ भी आप इंटरेस्ट बना के रखिए। और ये मूवी जो है इतनी तारीख को आने वाली है, और इस मूवी का जो डाउनलोड है इसे पूरी आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है। अब देखते हैं कि ये तो हो रहा है, कैसे हो रहा है। इसके लिए हमें चाहिए एक, कोई भी एक ही सर्विस से आपको चिपके नहीं रहना है। बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, इन्हें लिंक रेफरल वेबसाइट कहते हैं, बहुत ही है, तीन चार तो मैंने आपको स्क्रीन पर अभी दिखा रखी है। ये सारी वो वेबसाइट्स हैं, और इनमें जो सबसे जो ज़्यादा मैंने देखी कि लोग यूज़ कर रहे हैं, लोग जब ज़्यादा चीज़ को यूज़ करते हैं तो उसकी सही होने की संभावनाएं भी ज़्यादा होती हैं, मान सकते हैं हम ये। और यही पॉपुलर वेबसाइट है शेयर अस। इस वेबसाइट में आप जाएंगे, अपना अकाउंट बनाएंगे, अकाउंट बनाना कोई मुश्किल नहीं है, आप अपना ईमेल और ये जो सारे फील्ड्स यहाँ दिख रहे हैं ये सब कुछ भरेंगे, और इसमें आप अपनी UPI ID, UPI पे आप पैसा ले सकते हैं, बहुत अच्छी बात है। इसमें हमें बैंक अकाउंट जो है शेयर करने की ज़रूरत नहीं है। कुछ लोग यहीं पर आकर डाउटफुल रहते हैं, तो हमें अच्छी बात है कि हमारा बैंक अकाउंट देना ही नहीं है। आप अपनी UPI ID यहाँ दे देंगे, और जिस चीज़ का भी लिंक आप शेयर करेंगे, एफिलिएट करेंगे, उसका यहाँ पर आपको पूरा डैशबोर्ड मिलने वाला है, कितने लिंक पे क्लिक हुआ, कितने लिंक, ये सब कुछ जो कि आपको YouTube पे मिलता है कि कितने व्यू हुए और उसका कितना पैसा है, वो सारी डिटेल यहाँ मिल जाएगी। अब आपने क्या करना है, अब आप ये करेंगे, कुछ मूवी डाउनलोड की वेबसाइट्स हैं, बहुत अच्छी अच्छी वेबसाइट्स हैं, सब कुछ मैं नहीं करने वाला, आप भी कुछ R&D करेंगे कौन सी अच्छी वेबसाइट्स हैं जहाँ से आप आने वाली मूवीज़ और जो अभी अभी आई हैं, आने वाली मूवीज़ को तो हम कैसे डाउनलोड करेंगे, जब वो आ चुकी होगी तब उसे डाउनलोड करने के क्या क्या ऑप्शन है, वो वाली वेबसाइट उस मूवी का लिंक वहाँ से उठाकर इस ऐप में डालेंगे, इस वेबसाइट में डालेंगे, और एक छोटा सा आपको लिंक मिलेगा, और वो लिंक जो है आप अपने डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। वो मूवी जिसके बारे में आपने अपने वीडियो में क्यूरियोसिटी क्रिएट की है उसके डिस्क्रिप्शन में इस मूवी का लिंक दे देंगे। जितने ज़्यादा लिंक क्लिक होंगे उतने ज़्यादा आपको पैसे मिलेंगे, और इस तरह से अगर आपके 5000 व्यूज़ आते हैं जिनमें से 1700-1800 लोगों ने उस पर क्लिक किया है, तो 1700-1800 रुपये अगर हम एक ही दिन का मान के चलें तो आप समझ सकते हैं कि आप महीने में कितना कमा सकते हैं, क्योंकि आपका चैनल नया है, थोड़े कम व्यूज़ आ रहे हैं, दिन में 1000 व्यूज़ आ रहे हैं जिनमें से 200 लोग भी अगर अंदर जाकर उस वीडियो पर लिंक पर क्लिक करते हैं डाउनलोड, उन 200 में से अगर 50 लोग भी क्लिक करके उसे डाउनलोड करते हैं तो 50 रुपये उस मूवी से आपको आ जाते हैं, और ये क्लिकिंग बढ़ेगी जब वो पूरी बूम पर होगी। तो आपका वीडियो अगर पुराना होगा तो आपको इसका ज़रूरी फ़ायदा मिलेगा। तो आप इस तरह से बिना मूवी को अपलोड किए हुए उस पर किसी प्रकार की कोई कॉपीराइट की संभावना ही नहीं है, संभावनाएं तो वहाँ भी नहीं थी जो तरीके मैंने आपको बताए थे, एक वीडियो ये है एक वीडियो ये है, लेकिन वहाँ जो काम करने का तरीका बताया था उसे बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं। आने वाले क्वेश्चन एंड आंसर वीडियो में हम किसी दिन इनमें से खास चुनिंदा कमेंट्स को डिस्कस करेंगे और उस पर एक बार फिर से बात करेंगे। तो तरीके तो वो दोनों भी गलत नहीं थे, लेकिन यहाँ अगर आपको नहीं समझ आ रहा और कुछ ना कुछ गलतियों के चांसेस आपसे रहते हैं, तो इसमें तो उन गलतियों के चांसेस भी नहीं हैं। अब बात कर लेते हैं क्या ये तरीका लीगल है, वैध है, YouTube पॉलिसी के
उसमें तो नहीं आता, वायलेशन में तो नहीं आता, तो बिल्कुल नहीं आता। मैं आपको टेक्निकली इसके बारे में कुछ समझाना चाहता हूँ। इसे कहते हैं लिंक रेफरल, इस तरीके को कहते हैं लिंक रेफरल, और ये कोई तरीका नया नहीं है। आज से बहुत साल पहले तक शुरुआत की थी ईबे ने, ईबे आज भी इस पर इस तरह की ऑफर दे रहा है जिसमें हम लिंक को रेफर करते हैं और उस लिंक रेफरेंस से जितनी जो बैकलिंक्स मैच्योर होते हैं उससे हमें पैसा मिलता है। यह बिल्कुल वैसा ही है जैसे कि हम एफिलिएट मार्केटिंग करते हैं। एफिलिएट मार्केटिंग में हम एक प्रोडक्ट को एफिलिएट करते हैं और जितने लोग उस प्रोडक्ट को खरीदते हैं अकॉर्डिंगली हमें उस पर उतना कमीशन, उतना पैसा मिल जाता है। वैसा ही यहाँ हो रहा है। यहाँ हम ये करेंगे कि हम लिंक को रेफर करेंगे और वो लिंक होगा आने वाली मूवीज़ का। आने वाली मूवीज़ मैंने इसलिए कहा क्योंकि ट्रेंड जो होता है वो धीरे धीरे सुलगता है और उसे सुलगाने वाले ही सबसे फ़ायदे में रहते हैं। तो आपको देखनी है ऐसी मूवीज़ जैसे आप यहाँ देख सकते हैं भूल भुलैया सेकंड आने वाली है, और एक भाई ने तो यहाँ एक साल पहले, अब एक साल 2021 को एक साल पहले ही कहेंगे तो कब उसने डाली आप यहाँ देख सकते हैं, एक साल पहले ही ये मूवी उसने डाल दी। आई थिंक मई में वो रिलीज़ होगी, मई के शुरू में या अप्रैल के एंड में उस पर सर्च आनी शुरू हो जाएगी और इन्हीं वीडियोज़ को फ़ायदा मिलेगा जो कि इन्होंने पहले डाल रखी है। अब ध्यान रखिएगा, आपने जो लिंक रेफरल तो आप कर रहे हैं लेकिन आप जो ऊपर अपने वीडियो में इंफॉर्मेशन दे रहे हैं वहाँ कोई ऐसी क्लिप मत लगाइएगा जो कि कॉपीराइट में आती हो या उस तरीके से आपने नए लगाई हो जो कि मैंने पहले वाले वीडियो में बताई है। तो ध्यान रखिएगा, कॉपीराइट पर आपको मैंने 2-3 वीडियो, शानदार वीडियो अपलोड कर रखे हैं। मैं कॉपीराइट से संबंधित उन सभी वीडियोज़ के लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप उनको भी देख लीजिए। तो दोस्तों वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं खींचेंगे क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ली हैं। ज़रूर देखिएगा, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसे भी लाइक कीजिएगा, कई सारे वीडियोस और अच्छे लगते हैं तो उन्हें भी लाइक कीजिएगा, और आपको लगता है कि इस तरह का कंटेंट यहाँ मिलता रहेगा तो सब्सक्राइब कर लीजिए आज ही इस चैनल को। हम मिलेंगे एक और शानदार वीडियो में बड़ी जल्दी, तब तक के लिए इजाज़त, अपना ख्याल रखें, जय हिंद।